नमस्कार दोस्तों, लेडीज स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी लौकी की मसालेदार सब्जी बनाने की रेसिपी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल का बटन दबाएं। इससे आप मेरी हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लौकी की सब्जी बनाना। मैंने लौकी की सब्जी बनाने के लिए ये आधा किलो लौकी ली है, जिनको मैंने काट कर धोकर अच्छी तरीके से रख लिया है। और मैंने आधा कटोरी के लगभग ये चने की दाल ली है, जिसको मैं धोकर रखूँगी। फिर हमने इनको धोकर अच्छी तरीके से एक कुकर में पानी डालकर इनको उबलने के लिए रखना है। मैंने दाल को धो लिया है, अब हम लौकी और दाल को एक कुकर में डालकर उबलने के लिए रखेंगे। लौकी और दाल के साथ हम इसमें आधा चम्मच के लगभग नमक और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे, जिससे कि जो नमक और हल्दी का फ्लेवर है वो लौकी में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं अब इनको कुकर में डालकर रखती हूँ उबालने के लिए। मैंने कुकर में दाल और लौकी डाल दी है, अब मैं इसमें नमक और हल्दी डाल देती हूँ। मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है, अब हम इनको 3 से 4 सीटी लगने के लिए ऐसे ही रखेंगे, कम आँच रखेंगे और 3 से 4 सीटी लगने पर हम इनको बंद कर देंगे। जब तक हमारी लौकी होती है तब तक मैं आपको इसमें काम आने वाली या इसमें यूज होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। लौकी की सब्जी मसालेदार बनाने के लिए हमें 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज के बारीक काटे हुए हैं, 3 मीडियम साइज की प्याज लंबी मोटी काटी हुई, 3 से 4 हरी मिर्च काटी हुई बारीक, आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि हमने उसमें हल्दी पहले भी डाल दी थी तो इसलिए मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा बड़ी चम्मच नमक की, पहले भी नमक हम डाल चुके हैं लौकी में तो मैंने यहाँ आधे चम्मच के लगभग नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बड़ा जीरा तड़का लगाने के लिए, 2 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरी कसूरी मेथी नहीं है तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 3 से 4 करी पत्ता, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना करी पत्ते के भी अपनी लौकी की सब्जी मसालेदार बना सकते हैं, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, और तेल तलने के लिए, तड़का लगाने के लिए तेल। जो हमारी लौकी है वो उबल चुकी है और मैंने पानी निकाल कर अलग कर लिया है। अब हमारी लौकी हम इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मैश करेंगे। आप इसको मैश करके अच्छी तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा कर लें, जिससे कि ये पीस सारे इसके फूट जाएं और ये मैश अच्छी तरीके से हो जाएं। जो हमारी लौकी है वो मैश हो चुकी है, अब हम इसको एक साइड रखते हैं और तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और गैस चला दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 2 बड़े टेबल स्पून के लगभग ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। जो हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे में आप तड़का लगाने के लिए 1 से 2 काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। हमारा जीरा कलर चेंज करने लगा है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें जो करी पत्ता है वो डाल देंगे, करी पत्ता हम पहले नहीं डालेंगे। जो हमारी प्याज है वो भुन चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इन्होंने अब तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, अब हम इसमें हमारे बाकी के मसाले डालेंगे, टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्च, हरी मिर्च,
अदरक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं थोड़ी डालूंगी और थोड़ी मैं सब्जी की गार्निशिंग के लिए रखूंगी। इन सबको अच्छी तरीके से भून लें आपस में। इनको इस तरह भुने कि इनका गाढ़ा पेस्ट बन जाए, प्यूरी टाइप। आप चाहे तो इसमें कटे हुए टमाटर की जगह टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। इसको ऐसे ही जब तक कि ये टमाटर अच्छी तरीके से ना मैश हो जाए, हम इसको तब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम इसमें आधा कप के लगभग पानी डालेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से गल जाए, और इसको वापस से थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मसाला जो है वो भुनने लगा है और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। हमारा मसाला लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने मैश की हुई लौकी है उनको मिक्स करेंगे। धीरे से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और लौकी आपस में अच्छी तरह मिल जाए। अब इनको आपस में मिलाने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि जो मसाले हैं इनका फ्लेवर है वो लौकी में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी लौकी पक रही है। इसको बीच बीच में चमचे से चलाते रहें, मिक्स करते रहें। इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। जो हमारी सब्जी है वो अब बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। सब्जी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, क्योंकि जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते वो भी लौकी खाना शुरू कर देंगे। तो अब हमारी सब्जी बन चुकी है। मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी जो मेरे पास कसूरी मेथी है मैं इससे इसकी गार्निशिंग करूँगी। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप हरे धनिए से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लौकी की सब्जी मसालेदार। आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखने में भी जितनी अच्छी लगेगी खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट होगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।